हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरी इस नवी वीडियो में। तो यार क्या हो अगर कोई कंपनी आप लोगों को इंस्टाग्राम चलाने का पैसा दे। आप लोगों को इंस्टाग्राम चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ये बात मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। और अब आप लोगों को एक कोई कंपनी कह रही है तुम मेरी तरफ से भी इंस्टाग्राम चला लो और हम तुम्हें इस चीज़ के पैसे पे करेंगे, तो क्या आपका मज़ा बढ़ेगा या कम हो जाएगा? यकीन है मुझे कि आप लोगों का मज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कुछ अलग ही लेवल पर चला जाएगा अगर कुछ ऐसा हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों के मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स हैं, ठीक है, अगर आपके मिनिमम 1000 फॉलोअर्स भी हैं तो आप लोग कैसे जो ब्रांड को अप्रोच कर सकते हो, उनसे रिव्यू प्रोडक्ट्स ले सकते हो, या फिर वो लोग आपको उनके प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने का पैसा देगी, उनके पेज पर इंगेजमेंट बढ़वाने के लिए आप लोगों को पैसा देगी, कैसे आप लोग जो है अर्निंग कर सकते हो इंस्टाग्राम से, वो सारे मेथड मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर उंगली मार दो, पंजा मार दो, कुछ भी कर दो लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अनुज, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। वीडियो शुरू करते हैं। तो यार अगर आप लोगों के इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर्स भी हैं, ठीक है, 1000 फॉलोअर, 2000, 5000, 10000 तक भी फॉलोअर हैं और आप लोगों को पता नहीं है कि यार आप लोग जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हो, तो ये जानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एग्जांपल के लिए अगर आप लोगों के 10000 फॉलोअर्स हैं तो आपकी जो फोटोज़ पोस्ट जो आप करते हो उस पर जो लाइक की रेशियो है वो आप लोगों की 5% होनी चाहिए, मतलब कि आपके मिनिमम 500 लाइक्स तो आने ही चाहिए। अगर आप लोगों के 500 लाइक्स से ज़्यादा आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, कि अगर आप लोगों की 5% से अब जो है आपकी इंगेजमेंट अपने यूज़र के साथ है तो आप लोग जो हो इन्फ्लुएंसर बन चुके हो, ठीक है, इन्फ्लुएंसर आप बन चुके हो। तो दो क्राइटेरिया जो आप लोगों के होने ही चाहिए वो ये है, सबसे पहला तो यही है कि आप लोगों की इंगेजमेंट अब 5% होनी चाहिए अपने यूज़र के साथ, और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि जो आपकी प्रोफाइल है वो एक वेल मेंटेन प्रोफाइल होनी चाहिए। मतलब अगर आप लोग जो पोस्ट वगैरह डाल रहे हो और उस पर कोई एडिटिंग नहीं कर रहे हो, सिंपल से पोस्ट कर दे रहे हो, तो यार वो नहीं चलेगा। किसी एडिटर को हायर कर लो, हायर मतलब कि अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर आप लोगों के नोन में कोई हो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि अब आप लोग पे करो किसी को एडिट करने के लिए, सिंपल सी एडिट जो थोड़ी बहुत एडिट होती है वो वाली चीज़ जो है वो अपने दोस्तों को जिसको आती है उससे करवा लो, या घर में किसी को आती है, आसपास रिलेटिव्स को किसी को आती है उनसे करवा लो जो एडिटिंग, तो और वो फोटोज़ जो है वो पोस्ट जो है वो सारी डालनी चाहिए, और आप लोगों की एक वेल मेंटेन बायो होनी चाहिए, पूरी की पूरी प्रोफाइल होनी चाहिए, तब आप जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हो। तो अगर आप लोगों के ये दो क्राइटेरिया जो है वो पूरे हो जाते हैं तो आप लोग इन्फ्लुएंसर बन चुके हो। और तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि भाई अब आप लोग ये चीज़ कैसे कर सकते हो। आप लोगों का पहला जो मेथड है जिससे आपने ब्रांड्स को अप्रोच करना है वो मेथड है, एक बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जिसपे आप लोग अपनी जो है एक प्रोफाइल बना सकते हो एज अ इन्फ्लुएंसर। अब वो वेबसाइट्स करती क्या हैं, जब आप लोग उस पर एक बहुत बढ़िया सी प्रोफाइल बना देते हो तो वो सारी प्रोफाइल सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो भी उसी वेबसाइट पर होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे ब्रांड हैं या बड़े बड़े ब्रांड हैं वो सारे भी उस वेबसाइट्स पर होते हैं। जब आपने अपनी प्रोफाइल बना दी तो आपकी प्रोफाइल उन ब्रांड के साथ मैच करती है, ठीक है। अब आप एक तरफ हमारे ब्रांड्स हैं और दूसरी तरफ हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर जब आ जाते हैं तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे से वो कहते हैं ना हिंदी में एक तरह का समझौता करते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में एक तरह का समझौता होता है जिसपे कि या तो वो आप लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर आपको रिव्यू करने के लिए प्रोडक्ट देते हैं और ऊपर से पैसे पे करते हैं। तो ये तीन चीज़ें होती हैं कि या तो आपको पैसा पे करेंगे, या तो आपको प्रोडक्ट पे देंगे कि भाई आप रिव्यू कर दो रख भी लो, या फिर वो कहेंगे कि प्रोडक्ट आप ले लो, रिव्यू करने के बाद वापस करना और हम आपको अलग से पैसे भी जो है वो पे कर देंगे। तो ये जो मेथड था ये बड़ा ही आसान मेथड है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उन वेबसाइट्स के लिंक दे दूंगा जहां पर आप लोग जो है एज अ इन्फ्लुएंसर रजिस्टर्ड कर सकते हो और जाके अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हो। और ये चीज़ याद रखना कि ये मिनिमम 1000 फॉलोअर्स के लिए बता रहा हूं मैं, अगर आप करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो जो दूसरी टिप है वो ये है कि मान लीजिए अगर आप लोगों के 1000 फॉलोअर हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, 10000 तक भी हैं, तो ये सारे जो लोग हैं वो सारे ऐसे फॉलो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें जिनके 50K से नीचे नीचे फॉलोअर्स हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों के 10K फॉलोअर्स हैं और आपने किसी ऐसे इंसान को फॉलो कर रखा है, इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रखा है जिसके 50K से नीचे जो फॉलोअर्स हैं वो हैं। अब वो लोग उनको आप लोग फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए कि कभी भी अगर वो
कोई भी पोस्ट डालते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर वो लोग कभी भी किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो आप लोगों को जैसे ही उसकी पोस्ट का नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस ब्रांड का वो प्रमोशन कर रहे हैं। तो अब उस ब्रांड पर आप लोग भी जाके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से कि भाई आप सीधा या तो उन्हें उनके पेज पर चले जाइए, उन्हें DM कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, या फिर उनके कॉन्टैक्ट की ईमेल ID जो होगी उस पर ईमेल करिए। जो भी तरीका है उनसे कॉन्टैक्ट करने का आप करिए, आपके 85% चांसेस हैं कि वो ओपन है, मतलब कोलैब करने के लिए आपके साथ ओपन है। आप लोग जाइए, वो आप लोगों के साथ कोलैब करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी अपनी जो सेल्स होती है, प्रॉफिट जो होते हैं वो इंक्रीज़ करने होते हैं, तभी तो वो इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी एड्स रन करते हैं, ठीक है। इस मेथड में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जब आप लोग स्टोरीज को स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, कि एक के बाद एक स्टोरी चला रहे होते हो, एकदम से ही कोई ऐड आ जाती है, किसी ब्रांड की ऐड आ जाती है, किसी फैशन मतलब मॉडल जो है वो कपड़े का प्रमोशन कर रहा है, तो ऐसे ब्रांड्स को भी आप लोग अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि यार वो लोग अगर ऐड के लिए पैसे पे कर रहे हैं तो आप लोगों को भी पे कर सकते हैं अगर आप लोग उनका प्रोडक्ट जो है वो रिव्यू करते हो। तो कैसी लगी ट्रिक आप लोग ज़रूर बताना। तो भाई अब जो तीसरा मेथड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड है और आपके 100% चांस होते हैं कि आप लोगों को जो है रिव्यू यूनिट या फिर आप लोगों को थोड़ी बहुत पैसे जो हैं वो मिल जाएं आपको प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए। तो वो क्या तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटे छोटे ब्रांड्स को ढूंढना है, क्योंकि छोटे ब्रांड अपने आप को स्केल करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन करवाते हैं, तो आप लोग जो है उन्हें अप्रोच कर सकते हो। अब आपका सवाल ये होता है कि भाई हम ब्रांड्स को कैसे अप्रोच करें, उन्हें ढूंढें कैसे कि वो ब्रांड, मतलब इतने छोटे ब्रांड्स भी होते हैं कि आप लोगों को नाम भी नहीं पता होता पर वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ आप लोग कैसे कर सकते हो। मान लीजिए आप किसी फैशन प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, अब आप चले जाइए अमेज़न पर। अमेज़न पर अगर आप मान लीजिए कोई फैशन का प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप एलोवेरा जेल को चाहते हैं कि रिव्यू करूं मैं प्रोडक्ट को, तो आपने सर्च कर लिया अमेज़न पे एलोवेरा जेल। अब उस एलोवेरा जेल के जितने भी रिजल्ट आएंगे उसमें से आप थर्ड या फोर्थ पेज पे चले जाइए रिजल्ट के, ठीक है। जैसे ही आप रिजल्ट के थर्ड या फोर्थ पेज पर जाओगे आप लोगों को ऐसे सेलर्स मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब प्रोडक्ट के जो उनकी सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं, ज़्यादा बिक नहीं रहे, थोड़े बहुत बिक रहे हैं। तो आप उन सेलर्स को डायरेक्टली उनके पेज पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे उनका पेज है तो उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर उनका फ़ोन नंबर है तो फ़ोन के थ्रू करिए, अगर फ़ोन के थ्रू नहीं कर सकते तो ईमेल है, ईमेल पे करिए। बहुत सारे तरीके हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए और वो भी रेडी रहते हैं, ठीक है, वो 100% रेडी रहते हैं कि भाई आप लोग आइए हमारे साथ कोलैब करिए, हम आप लोगों को पे करने के लिए तैयार हैं, मतलब इंतज़ार आप ही का था, जल्दी से आइए। क्योंकि यार उन्हें भी अपनी जो सेल्स है वो बढ़ानी होती है, अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना होता है, मतलब कोई इंसान है जो थोड़ा सा प्रॉफिट कमा रहा है तो वो हमेशा ज़िंदगी भर उसी पे तो निर्भर नहीं रह सकता ना, वो बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करता है। तो आप लोग भी उन्हें अप्रोच करके उनका जो प्रोडक्ट है वो रिव्यू कर सकते हो, आप लोग भी थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो। कैसी लगी ट्रिक कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई आज की इस वीडियो में यार इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, अपने घर वालों के साथ, रिलेटिव के साथ, जिसको चाहिए उसको शेयर कर दो यार ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर करोगे ताकि हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है, हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ जाएँ और हम भी ग्रो करें आपके साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।